प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान दूसरा पाठ में अम्ल से क्रिया यानी अम्ल से क्रिया का अर्थ क्या हुआ, कोई पदार्थ है जो अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, कौन सा पदार्थ है अम्ल से क्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है, तो अम्ल हम एक टॉपिक पर पूरा वीडियो ही बनाए हैं, लेक्चर ही बनाए हैं। अम्ल क्या होते हैं, जो एच प्लस आयन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो जल में घुल करके एच प्लस आयन लेते हैं, या ये सब अम्ल का परिभाषा था। अब बात करते हैं अम्ल इन विभिन्न तत्वों से, विभिन्न पदार्थों से क्रिया करता है, तो उस क्रिया करने में क्या क्या होता है, क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दिया है अम्ल से क्रिया, यानी जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, यानी अगर कोई धातु है अगर अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल में हम H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, H3PO3 भी ले सकते हैं, PO4 भी ले सकते हैं, PO3 भी ले सकते हैं, कोई भी लेंगे। तो हम यहाँ पर HCl का चयन करते हैं, HCl इसलिए ले रहे हैं कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें, बाकी हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। धातु है तो कोई भी धातु लेंगे, और धातु में हम ज़्यादातर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर कोई भी ले सकते हैं। तो धातु में हम यहाँ सोडियम लेते हैं, यह एक मेटल है और एक अम्ल से क्रिया कराया जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो याद रखिए होता है क्या, इस अम्ल, ये धातु इस अम्ल के रसायन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और बनाता है NaCl+ एक हाइड्रोजन हुआ, H लिख लेंगे, कभी भी हाइड्रोजन को परमाणु के रूप में नहीं लिखते हैं, दो लगा देंगे अम्ल के रूप में H2 हो जाएगा, क्योंकि ये कही है तो 1/2 से गुणा कर देंगे, तो यह भिन्नात्मक आ गया, इस दो का गुणा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2Na+2HCl, एरो लगाएंगे तो 2NaCl होगा प्लस H2 होगा, गैस होगा। हम देखते हैं कि अगर कोई मेटल है अम्ल से रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है और यहाँ पर लवण बनाता है यानी साल्ट बनाता है। एक चीज याद करिए आप, मेटल होगा मीन्स धातु होगा, अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और एक लवण बनाएगा। जैसे हम Na लें और इसको H2SO4 से क्रिया कराएं तो इसके बनाएगा सोडियम, एक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बनाएगा NaHCSO4+½H2 बनाएगा। देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक सोडियम आ गया तो एक हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन है, एक सोडियम आया यह हो गया SO4 हो गया, सोडियम बाइसल्फेट और ½H2। पुनः इसको अगर सोडियम के साथ इसको Na+NaHCSO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाएगा Na2SO4+½H2, एरो लगाकर इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद Na और Na मिलकर के 2Na हो जाएगा, या बाइसल्फेट से या बाइसल्फेट कैंसिल हो जाएगा और लिख देंगे H2SO4 लिख देंगे, एरो लगाएंगे, Na2SO4 होगा प्लस ½H2 हो जाएगा H2। यहाँ देखते हैं यह भी हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये जी याद करिए कोई भी धातु होगा अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस तरह से ये हमारा पहला पूरा हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। दूसरा देखेंगे क्षारक के साथ क्रिया है, ये आप जान चुके हैं कि अगर कोई क्षारक होगा हम ले लेते हैं NaOH ले लें,
अगर इसको HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से छार से OH और अम्ल से H मिल करके H2O बाहर हो जाएगा और बना लेगा NaCl बना लेगा। अगर यहीं पर NaOH लें और यहाँ पर H2SO4 लें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेना होगा, दो OH दो H2 के साथ यहाँ पर बाहर हो जाएगा, 2H2O बना लेगा और Na2SO4 बनाएगा। हम देखते हैं दोनों रासायनिक अभिक्रिया में जल बन रहा है और ये लवण बन रहा है, तो हम याद कर सकते हैं कि अगर कोई क्षारक होगा अम्ल से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो इसको याद करिए, बनाता है साल्ट प्लस H2O, ये हमारा हो गया बनाने का फार्मूला, यही बनाएगा हमेशा, इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान होता जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आता है लवण से क्रिया। अगर कोई मेटल होगा, मेटल सॉरी कोई लवण होगा तो लवण मेटल का ही लवण लेते हैं, हम सोडियम बाइसल्फेट लेते हैं, हमने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम बाइसल्फेट भी ले सकते हैं, यह एक अम्ली लवण होगा। यहाँ पर इसको अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो होता क्या है, देखिएगा इस लवण से सोडियम आयन यानी धनायन इस अम्ल के रिडायन से अलग हो जाता है और बना लेता है NaCl प्लस, यहाँ पर देखेंगे H और H H2 बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है और वो आ जाता है H2O हो गया। अब यहाँ पे C बचा है, C दो ऑक्सीजन बचा है, O2 हो गया, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगर यहीं पर लें एक और लवण लें Na2CO3 लें, अगर इसको HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर दो सोडियम है तो इसके लिए दो लेना पड़ेगा, तो हम देखते हैं दो सोडियम दो क्लोरीन द्वारा 2NaCl बाहर हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे दो हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बनाता है और यहाँ पर जाता है, एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा गैस। तो हमें एक चीज देखते हैं दोनों में कि जब लवण अगर अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको याद करिए, अगर कोई लवण होगा अम्ल से क्रिया करेगा तो साल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा, ये तीन चीजें बनाता है। आगे देखेंगे इसी को अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया अगर कराते हैं, अगर यहीं पर हमारे पास जो दिया था NaHSO3 दिया हो या सोडियम कार्बोनेट ही ले, सोडियम बाइकार्बोनेट लें, अगर इसको H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तब क्या बनाएगा, फिर वही चीज यहाँ पर ये हम देखेंगे इसके दो मोल ले लेते हैं, दोनों सोडियम SO4 द्वारा बाहर हो जाएंगे और बनाएगा Na2SO4 प्लस, यहाँ फिर H2 और यहाँ पे दो H है निकल करके बनाता है, हम देखिएगा दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन हो गए, 2H2O बनाता है और ये बना लेगा CO2 बनाएगा, दो मॉलिक्यूल देखिएगा, दो त्याई छः ऑक्सीजन हुआ, दो दूना चार हुआ, दो यहाँ हुआ छः, इस तरह से ये हमारा देखेंगे, इसमें लवण बनाया है, जल बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। इसको याद करिए, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड को हम भाष्मिक ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होता है, अगर कोई धातु होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो जो यौगिक बनाएगा वही हमारा धातु ऑक्साइड कहलाता है। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, जिसे धात्विक ऑक्साइड या भाष्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, यह अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड को। तो सोडियम ऑक्साइड ले यहाँ पर Na2O लेते हैं, अब इसको अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु है, यहाँ पर
तो हम यहाँ दो ले लेंगे, तो दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन द्वारा बना लेगा टू NaCl प्लस दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बनाता है H2O। अगर यहीं पर दिया हो सोडियम ऑक्साइड दिया हो तेजाब के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता है दोनों सोडियम इस SO4 द्वारा बाहर हो जाएगा, बनाएगा Na2SO4 प्लस यहाँ यह दो या ऑक्सीजन और यह बना लेगा H2O बना लेगा। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, जल है जल है। तो एक चीज क्लियर होगा कि कोई भी धातु ऑक्साइड ज्यादातर धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करते हैं तो ये धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करेगा तो नोर बनाएगा और जल बनाएगा। एक चीज और देखिए आप लीजिएगा, यह सभी ऐसा धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके जल बाहर नहीं निकालते हैं, कुछ ही धातु ऑक्साइड होते हैं। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज विद्युत रासायनिक सीरीज में जो धातुएं हाइड्रोजन से जितना ही नीचे होती हैं वह विस्थापित हाइड्रोजन को कर देता है, तो इसको खास ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें भी क्या क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब आता है जल के साथ क्रिया, अगर H2O है अगर यह इसमें अम्ल डालते हैं तो याद देखिए अगर अम्ल को जल में डालेंगे तो अम्ल अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी वह धनायन और ऋणायनों में टूट जाता है। अगर अम्ल को जल में डालते हैं तो बनाता है H+ आयन और Cl- आयन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, इसको क्लोरीन आयन कहते हैं। अगर SO4 अगर H2SO4 डालते हैं इसको तो 2H+ आयन बनाएगा और SO2- चार्ज बनाएगा। यह हो गया, कोई भी अम्ल रहेगा अगर जल में डालेंगे तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है अर्थात वह अपने आयनों में टूट जाता है, धन आयन और ऋणायन भी बनाएगा। अब बात करते हैं दो सी चीज याद रखिएगा, H+ आयन यह अकेले नहीं रह सकता है, यह जल के अणुओं के साथ क्रिया करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O पर प्लस चार्ज, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन यानी कोई अम्ल है जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है या H+ आयन देता है। हम लिख सकते हैं H2O और यहाँ पर अम्ल ले तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा H यहाँ से निकलता है और चला जाता है तो 2H पहले से H गया तो बनाता है H3O पर प्लस चार्ज प्लस Cl पर माइनस चार्ज। यानी कोई भी अम्ल होगा जल से क्रिया करेगा तो या तो H+ आयन देगा या तो हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देगा, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अगर अम्ल से क्रिया करता है तो ये देता है, तो हम लिख सकते हैं जल से क्रिया करेगा तो क्या देगा, H+ आयन या H3O पर प्लस आयन और माइनस आयन देगा यानी ऋणायन देगा। इस तरह से ज़्यादातर जो भी अम्ल होते हैं इनसे क्रिया करते हैं तो ये इन यौगिकों को बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।